स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ और ऑप्शंस को जो है वो देखेंगे कि वो हम अपने टेक्स्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बट बिफोर वी स्टार्ट दैट लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों का जो स्टडी का सीक्वेंस है उसमें कोई मिस ना हो कोई लेक्चर आप लोगों का मिस ना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग दो नई चीज़ों की बात करेंगे कि अगर हमारे पास अपने टेक्स्ट में हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसको हम पेज के डिफरेंट पोजीशंस पर कैसे उसको हम लगा सकते हैं राइट और उसके बाद उसके हम साइज़ को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं उसके बाद हम एक और नई चीज़ कि जो वर्ड uh, आर्ट है कि आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेटिव अफेक्ट जो है उस पर अप्लाई करें आप उस पर शेडोज अप्लाई करें आप उस पर कलर्स अप्लाई करें आउटलाइंस थ्री डी अफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं आप उसके जो टेक्स्ट uh, की जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं राइट right? तो दिस दिस थिंग इज़ कॉल्ड वर्ड आर्ट तो आज हम इन दो चीज़ों को देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट में या अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं तो हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं आई विल क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन फाइल मेन्यू राइट और यहाँ पर मेरे पास रिसेंट में जो मैंने रिसेंट फाइल थी उसको मैं देखता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ तो वो फाइल मेरे सामने ओपन हो जाए ये एग्जैक्टली वही फ़ाइल है वही डॉक्यूमेंट है जिस पर हम शुरू से काम कर रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपके सामने थी और right. तो आप लोगों ने देखना है सबसे पहले कि आपने पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आपने अपने कर्सर की पोजीशन देखनी है आप अपने कर्सर को वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है इट मीन्स यू हैव टू पोजीशन द कर्सर एट एट द प्लेस वेयर यू वांट द पिक्चर टू बी तो आपने टैक अपने कर्सर को वहाँ पे मूव करना है तो सपोज़ ये मेरा कर्सर है तो इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो जो पिक्चर है वो इस पोजिशन पर इंसर्ट हो राइट right? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है आई हैव टू पोजिशन द कर्सर सर सेकेंडली हम क्लिक करेंगे इंसर्ट मेन्यू के ऊपर राइट right? यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट मैंने क्लिक किया राइट right? और इसके बाद हमने ग्रुप देखना है कौन सा ग्रुप अलिस्ट्रेशन का ग्रुप ये अलिस्ट्रेशन का ग्रुप है हम इसमें आएंगे और उसकी पहली ऑप्शन है पिक्चर की वी विल क्लिक ऑन दिस जब हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अब यहाँ से आप अपनी पिक्चर को ब्राउज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं कोई भी आप उनको ब्राउज कर सकते हैं ठीक है आ, तो यहाँ पर आपके सामने इसमें जो पिक्चर्स हैं मेरे पास सिस्टम में वो अपीयर हुई हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ से एक पिक्चर जो है सपोज ये वाली मैंने ये पिक्चर इस पर क्लिक करता हूँ मैं डबल क्लिक कर करता हूँ तब ये इंसर्ट हो जाएगी या मैं इस पर क्लिक करके ये इंसर्ट का बटन है इस पर क्लिक करता हूँ तो तब भी ये इंसर्ट हो जाएगी तो मैंने इस पर इसको सेलेक्ट किया और क्लिक ऑन इंसर्ट बटन अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर का साइज जो यहां पर अपीयर हो रहा है ये बहुत बड़ा है ठीक है तो हमने इसको एडजस्ट करना है अपने पेज के लिहाज से अपनी पोजीशन के लिहाज से पेज के ऊपर के कहां पर ये कितने साइज की हो तो अब हम जब यहां पे देखेंगे कि इसको रीसाइज कैसे करना है तो ये आपकी पिक्चर है राइट आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स पर और मिडल पर ये इसका एक कॉर्नर है यहाँ पर भी आपको ये एक रिसाइजिंग डॉट नज़र आ रहा है ये मिडल में भी है यहाँ पर भी है ये मिडल में ये इसके हर तरफ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं जिससे आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं अगर आपने पूरी पिक्चर को रिसाइज़ करना है आपने लेंथ एंड विड्थ यहाँ से आप इसकी हाइट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं विड्थ वही रहती है राइट right? यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है उसको जो है आ, कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइक like दिस तो इसकी विर्थ कम हो गई राइट right? तो अगर आप इसको मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस उसके ओरिजिनल साइज़ में लेके जा रहा हूँ कंट्रोल जेड जो है वो अंडू के लिए कि जो आपने एक्शन लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होता है उसको वापस अपने अंडू कर देना उसको वापस ले जाना ओरिजिनल जगह पर तो हमने इसको अंडू कर दिया तो अब अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के करते हैं यहाँ पर लाइक दिस वन तो फिर आप पूरी पिक्चर की विथ एंड हाइट दोनों को रीसाइज कर रहे होते हैं राइट right, तो हम इसको यहाँ से पकड़ कर रीसाइज करते हैं इसको जहाँ जितना साइज हमें रिक्वायर्ड है हमने उसको उतना साइज कर लिया राइट right, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आपकी स्मॉलर साइज में आ चुकी है छोटा साइज इसका हो चुका है राइट right, अब हम देखते हैं कि हमने इसको पेज के ऊपर पोजीशन कहाँ पर करना है राइट right, हम इसकी पोजीशन को देखने के लिए अगर हम लोग इसको पोजीशन करना चाह रहे हैं पेज की डिफरेंट लोकेशन के ऊपर तो वो कैसे कर सकते हैं अब आप, आप देखें यहाँ पर कि जब हमने इंसर्ट कर लिया राइट right तो यहाँ पर एक फॉर्मेट का मेन्यू भी अपीयर हो गया है ये पहले नहीं था अब ये अपीयर हो चुका है अब फॉर्मेट के मेन्यू में आपके पास अरेंज का ग्रुप है अरेंज के ग्रुप में ये पोजिशन की ऑप्शन है इसके ऊपर डाउन एरो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है अब यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट इमेज़ हैं आप उनको अंडरस्टैंड करें राइट right? कि आपने पोजिशन कहाँ पर करनी है पिक्चर को अगर आप इस वाले को देखें तो यू विल सी कि आपकी जो पिक्चर इस वक्त है वो इस वाली है ये ये पोजीशन सेलेक्ट हुई हुई है कि आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट लाइनें जो पिक्चर जो है वो आपकी एक इमेज की फॉर्म में नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर है इस वक्त और ऊपर दो लाइनें हैं इट मीन्स दिस शोज के ऊपर भी टेक्स्ट होगा और नीचे भी टेक्स्ट होगा इसके इस पिक्चर के लेफ्ट राइट पर कुछ भी नहीं है और इसकी पोजीशन पेज के ऊपर जहां पर ये शो हो रही है वहीं पर है अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं यू विल सी कि अब आपकी जो पोजिशन है पिक्चर की वो चेंज हो गई आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल लेफ्ट टॉप कार्नर यहां पर आ गई है और टेक्स्ट जो है वो यहां पर भी टेक्स्ट है और इसके नीचे भी टेक्स्ट है अब यहाँ पर ये इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट को पढ़ें तो लिखा हुआ है विद टेक्स्ट रैपिंग जो पिक्चर के पिक्चर के पिक्चर के लिहाज से आपका टेक्स्ट कहाँ पर अपीयर हो राइट right? तो आपका जो टेक्स्ट है दैट इज रैपिंग अराउंड द पिक्चर यहाँ पर इसके राइट right साइड पर टेक्स्ट है और नीचे भी टेक्स्ट हो गया एक पोजिशन ये हो गई अब आप यहाँ पे लेके आते हैं यू विल सी कि आपका जो पिक्चर है वो दरम्यान में है इन द मिडल टॉप पे है और इसके लेफ्ट पे भी टेक्स्ट है राइट right पे भी टेक्स्ट है और नीचे भी टेक्स्ट है अगर आप इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका जो पिक्चर है वो बिल्कुल टॉप राइट पे आ गई है और इसके लेफ्ट पे टेक्स्ट है और नीचे भी टेक्स्ट है क्लियर तो यहाँ पर ये डिफरेंट पोजिशन हैं आप इनको देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पोजिशंस जो है वो पेज के लिहाज से कहाँ कहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो अपीयर होगी राइट तो यहाँ पर पोजीशन अब ये देखें ये बिल्कुल बॉटम पे आ गई बॉटम पे आपको यहाँ पर नज़र नहीं आई मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको बॉटम भी नज़र आ जाए तो हम यहाँ पर ये देखें ये बॉटम पे आ गई ये मिडल में आ गई ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये बॉटम मिडल आ गया ये बॉटम राइट कॉर्नर आ गया राइट तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर को डिफरेंट पोजिशन पर किस तरह से एडजस्ट uh, कर सकते हैं तो मैंने अभी ये वाली सिलेक्ट कर ली राइट right? इसके बाद यहाँ पर आपके पिक्चर स्टाइल्स हैं ये आपका पिक्चर स्टाइल्स का मेन्यू है सॉरी uh, फॉर्मेट का मेन्यू है और ये ग्रिप ग्रुप जो है दैट इज़ पिक्चर स्टाइल्स तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर आते हैं तो यू विल सी के यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर स्टाइल्स जो हैं वो अपेयर होंगे आप अपनी पिक्चर को एक फ्रेम में भी लगा सकते हैं डिफरेंट फ्रेम्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं उसके डिफरेंट अफेक्ट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये राउंड कार्नर्स बन गए पिक्चर के ठीक है यहाँ पर ये सॉफ्ट एज रेक्टेंगल बन गई राइट यहाँ पर ये यह आपकी पिक्चर है डबल फ्रेम यहाँ पर आपके अपेयर हो गया यहाँ से आप डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका एक ये ओवल शेप में है आ गया ठीक है ये इस तरह से ये मेटल राउंडेड रेक्टेंगल है तो ये डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं यहाँ से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं राइट right? मैंने सपोज ये वाला सिलेक्ट यहाँ पर जो स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लिया है राइट right? तो यहाँ पर आप जो इस वाले अरेंज के ग्रुप में भी आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट में डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के कहाँ पर हो राइट right? तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं तो ये भी आपके टेक्स्ट के लिहाज से है कि टेक्स्ट टेक्स्ट के लिहाज से ये कहाँ पर अपीयर हो आप ये देखें तो यहाँ पर है बिहाइंड टेक्स्ट आपका जो इमेज है वो अब टेक्स्ट के बिहाइंड पे चला गया है कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी अब जो टेक्स्ट है वो नजर आ रहा है राइट right? तो इस तरह से आप इसके डिफरेंट जो टेक्स्ट uh, uh, के लिहाज से कि आपके टेक्स्ट के लिहाज से आपका इमेज जो है वो कहाँ पर प्लेस हो आप इसको देख सकते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट इंसर्टिंग पिक्चर एंड हैविंग डिफरेंट इफेक्ट ऑन इट इसको आप लोगों ने देख लिया राइट right? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक uh, है आज का दैट इज़ वर्ड आर्ट कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से डिफरेंट डेकोरेटिव अफेक्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम इस फाइल को क्लोज करते हैं ताकि आप उसको क्लियरली उस वाली ऑप्शन uh, को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें हमने यहाँ पर क्लोज की ऑप्शन को क्लिक किया डोंट सेव और फिर अब हम नई फाइल ओपन करते हैं वे क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू देन यहाँ से हमारे पास न्यू की ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने बताना है कि हमने कौन सी हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है वी क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस पर डबल क्लिक करें तब भी ये ओपन हो जाता है तो अब आपके सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो चुका है क्योंकि अब हमने क्या यूज़ करना है हमने वर्ड आर्ट कि आप अपने जो टेक्स्ट हैं जो हैडिंग्स हेडिंग्स आप लोग स्पेशली देते हैं उन हेडिंग्स पे आप डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट डेकोरेटिव अफेक्ट्स जो हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं ओ राइट ये भी हमारा कहाँ पर है वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू हमने इंसर्ट पे क्लिक किया देन इसमें हमारे पास यहां पर टेक्स्ट का ग्रुप है इसी के ऊपर आप देखें तो वर्ड आर्ट राइट हमने डाउन एरो पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड आर्ट्स हमारे पास अपीयर हो रहे हैं ठीक है हमने सपोज ये वाला सेलेक्ट किया जब तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी और आप यहाँ पर अपने टाइ, अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है योर टेक्स्ट हेयर तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर साइंस ठीक है और अब मैं क्या करता हूँ अगर मैं, मैं यहाँ पर अगर आप इसके डिफरेंट स्टाइल्स को देखना चाहूँ कि वर्ड आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं राइट तो मैं यहाँ पर वो भी देख सकता हूँ मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ अब आप देखें कि जैसे ही आपने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया था तो यहाँ पर फॉर्मेट का मेन्यू भी अपीयर हो गया इट मीन्स कि ये सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो हैं ये आपके इस वर्ड आर्ट की हैं राइट right? तो यहाँ से आप इसको डिफरेंट पोजिशंस पर प्लेस भी कर सकते हैं अपनी हेडिंग को तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं यहाँ से मेरे पास ये डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं अब मैं अपने टेक्स्ट पर इनको इनका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ जैसे मैं डिफरेंट स्टाइल्स पर लिख रहता हूँ तो जो मैंने टेक्स्ट है जो मेरा टेक्स्ट है वो उस पर वो उसका प्रिव्यू भी दिखा रहा है कि ये आपका टेक्स्ट किस तरह से नजर आएगा इस स्टाइल में तो यहाँ से आप अपने डिफरेंट स्टाइल्स को देख सकते हैं राइट तो मैं यहाँ ये ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने ये वाला आपने यहाँ से जो एक स्टाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है राइट आपने ये सिलेक्ट कर लिया मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आपका ये वाला जो स्टाइल है वर्ड आर्ट स्टाइल ये सिलेक्ट हो चुका हुआ है अगर आपने इसका साइज अपने टेक्स्ट के साइज़ को रिसाइज करना है तो फिर आपको वही होम के मेन्यू में यहाँ पर जो फोन साइज है उसी से आपने इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ से मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया देन आई एम क्लिकिंग बैक ऑन दिस फॉर्मेट मेन्यू इस पर मैंने क्लिक किया अब हम इसके डिफरेंट ऑप्शनस को देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वर्ड आर्ट स्टाइल्स के ग्रुप में इसकी ऑप्शन है टेक्स्ट फिल की राइट right? इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट फिल का मीनिंग क्या है कि जो आपका टेक्स्ट है इसके अंदर जो कलर होगा वो किस तरह का होगा तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आई कैन सी ओवर हेयर के जो आपका टेक्स्ट है वो फिल होगा यहाँ से उस कलर के साथ जो आप यहाँ से इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन सी कि आप इन जब डिफरेंट कलर्स पे क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो फिल होता है उस कलर के साथ सपोज़ मैंने ये कलर फिल करना है राइट right तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया इसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन आप अपने देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है इसकी एक आउटलाइन है राइट right, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन मैन्यू एरो पर क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ से डिफरेंट जो आपकी आउटलाइंस हैं उनको भी देख सकते हैं आप देखेंगे ये आप जो टेक्स्ट का टेक्स्ट का इनर कलर है वो वही है लेकिन जो आउट जो आउटलाइन है वो सिर्फ वो कलर चेंज हो रहा है यहाँ से आप डिफरेंट आउटलाइन कलर जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया आई क्लिक ऑन एट फिर टेक्स्ट अफेक्ट्स अब इस पर क्लिक करें एंड यू विल सी के क्या टेक्स्ट अफेक्ट्स हैं अगर आप शेडोज अप्लाई करना चाहते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर तो आप जब इन डिफरेंट शेडो ऑप्शन पर लेके जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट प्रीव्यू में भी नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से नज़र आएगा सपोज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डिफ़रेंट ऑप्शन हैं टेक्स्ट अफेक्ट्स की ये अफेक्ट्स आप डिफरेंट अफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं राइट right? यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म में देखें तो यहाँ पर जो अफेक्ट्स हैं वो डिफ़रेंट हैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो डिफ़रेंट शेप में नज़र आएगा राइट right? यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं मैं इसको ख़त्म करके आपके इसको थोड़ा सा साइड पे मूव करता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें इसको मैंने यहाँ पर मूव कर दिया तो अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और वही टेक्स्ट अफेक्ट्स पे आया अब ट्रांसफॉर्म में देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं जब आप इन अपने माउस पॉइंटर को डिफरेंट स्टाइल्स पे लेके जाते हैं तो वही अफेक्ट आपके टेक्स्ट के ऊपर अपीयर होता है और आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं राइट तो ये इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की जो डिफरेंट शेप्स हैं उसको भी देख सकते हैं कि वो आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरह से अपीयर हो सपोज मैंने ये वाला सेलेक्ट किया मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरा जो अफेक्ट है मेरे टेक्स्ट के ऊपर अपीयर हो जाता है राइट right? तो आ, ये आपकी बेसिक ऑप्शंस uh, थी जब आप वर्ड आर्ट अप्लाई करते हो या वर्ड आर्ट अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हो तो ये बेसिक ऑप्शंस आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को भी, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं आई विल आंसर दैम ठीक है और आ, इस आ, वीडियो के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम उसको देखेंगे ठीक है एंड दैट इज़ क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल कि जब आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं दैट वुड बी आवर नेक्स्ट लेक्चर